दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लड़की से अपनी बात आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपकी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जा सकते हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस दुनिया में आकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। हे गाइस, व्हाट्स अप, इट्स मी हेवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारे हाउ टू इंप्रेस अ गर्ल और फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सीरीज का आखिरी पार्ट है। इस सीरीज में मैंने पहले 4 वीडियोस बनाई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनकी लिंक्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप पहले वो वीडियोस देख ले। आप लड़की को पटाना चाहते हैं, इंप्रेस करना चाहते हैं, इसलिए आप उसके साथ चैटिंग करते हैं। लेकिन जब बात आती है नेक्स्ट स्टेप लेने की, यानी कि लड़की से बात आगे बढ़ाने की, तब आप डर जाते हैं, आपकी फट जाती है। आप सोचने लगते हैं, अगर मैं इसके साथ बात आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो वो लड़की बुरा मान जाएगी, मुझसे नाराज हो जाएगी, मुझसे बात नहीं करेगी, हमारी दोस्ती टूट जाएगी। दोस्तों, लड़की आपसे इसलिए भी इंप्रेस नहीं होती है क्योंकि आप बात आगे नहीं बढ़ाते हो, या फिर बात आगे बढ़ाने में बहुत टाइम लगाते हो, या फिर पहल नहीं करते हो। इससे लड़की को लगता है आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए उसके साथ चैटिंग करते हो, आप दोनों को लेकर सीरियस नहीं हो। और जब लड़कियों को यह सब बातें पता चलती है तो वो आपको ब्लॉक कर देती है। तो दोस्तों, लड़की से बात आगे कैसे बढ़ाते हैं, तो आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है जो मैं यूज करता हूँ। वो ट्रिक यह है कि जब आप लड़की से नई नई चैटिंग स्टार्ट करते हो तो आप लड़की से आप कहकर बात करते हो। आप कहाँ रहती हो, आप क्या करती हो, आप कौन से स्कूल कॉलेज में हो। तो ऐसा एक हफ्ते तक चैटिंग पर चलने दो। फिर एक हफ्ते बाद लड़की से तुम कहकर बातें करो, आपकी जगह तुम यूज करो। तुम कहाँ गई थी, तुमने खाना खाया, तुम अब क्या कर रही हो। इससे एक अपनापन लगता है। और ऐसा 2 दिन हफ्ते तक चलने दो। फिर उसके बाद आप डियर पर उतर आओ। ऐसा क्यों कर रही हो डियर, खाना खा लो डियर, क्या हुआ डियर। आप 4-5 हफ्तों में आपसे सीधा डियर तक आ जाते हो। और लड़कियां भी नोटिस करती हैं, उनको लगता है आप अपनी बात धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हो और आप चैटिंग करने में पूरी तरह कंफर्टेबल हो। और फिर लड़कियां भी आपसे चैटिंग करने में कंफर्टेबल हो जाती है। अब फिर इसके बाद आपको लड़की से उसका नंबर लेना है। अब लड़की से नंबर कैसे लेते हैं, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है, तो यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, लड़की आपको अपना नंबर और अपनी फोटोज तभी देंगी जब वो आपको ट्रस्ट करती है, आपके ऊपर भरोसा करती है। तो लड़की का भरोसा कैसे जीतते हैं या लड़की का ट्रस्ट कैसे गेन करते हैं, इस टॉपिक पर अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। तो जब लड़की का नंबर आपको मिल जाता है तो आप सिर्फ उसके साथ व्हाट्सएप पर ही चैट करने लग जाते हैं, जबकि आपको फोन पर भी बातें करनी चाहिए। लड़की आपको फोन नंबर क्यों देती है, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ फोन पर बातें कर सके, ना कि व्हाट्सएप पर चैटिंग करने के लिए। तो जब लड़की आपको अपना नंबर देती है तो आप उसके साथ फोन पर बिंदास बातें करो। डरने की जरूरत नहीं है, जो बातें आप चैटिंग पर करने वाले हैं वही बातें आपको फोन पर करनी है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और जब आपकी फोन पर अच्छी अच्छी बातें होने लगे तो आप लड़की को कैजुअली मिलने के लिए बोल सकते हैं। मैं डेट की बात नहीं कर रहा हूँ, बस मिलने की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप उसको कह सकते हैं, मैं कल गोलू की पानीपुरी खाने जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, देखते हैं कौन ज्यादा पानीपुरी खाता है। ऐसे ही आप उसके साथ कॉफी के लिए या आइसक्रीम खाने के लिए मिलने का प्लान बना सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह आप लड़की से बात आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर इस सीरीज को लेकर या इस वीडियो को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करने को मत भूलना। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। एज ऑलवेज, बी स्टाइलिश, स्टे कूल, हैस्ता ला विस्ता।